कोई कमबैक नहीं हुआ है. देयर इज अ स्मॉल ब्रेक यूजुअली जब एक शो खत्म होता है दूसरे शो को यू नो पसंद करने में या यू नो आप एक शो को सिलेक्ट करते हो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. तो हाँ, अकबर बिरबल के बाद ये बिल्कुल ही अलग शो मैंने सिलेक्ट किया है. ओनली बिकॉज मुझे एक बढ़िया चीज़ लगी इस शो की, इट्स अ फाइनाइट शो, स्टार्ट टू फिनिश. जैसे आप लोगों ने सुना यू नो इट्स अ स्टार्ट टू फिनिश स्टोरी, पूरी तरह से स्टोरीज बाउंड है, एज इन कोई चेंजेस नहीं है उसमें. एंड बेसिकली मेरा कैरेक्टर बहुत ही अलग है, बिल्कुल अलग इसलिए कहूँगी क्योंकि आज तक जो आपने मुझे कॉमेडी में देखा है एक हटके रोल में देखेंगे. थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा पागलपन है, थोड़ा साइकिक है, और एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट होने वाला रोल है. तो मुझे लगता है बहुत ही कलरफुल कैरेक्टर है और अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मुझे बहुत दुख होता. इसलिए आई थिंक जिस तरीके से ये रोल सुनाया गया और जो ये रोल है मुझे बहुत पसंद आया एंड आई होप लोगों को भी ये बहुत पसंद आया. जैसे आपने कहा ये रोल आपको पागलपन जैसा है, उसमें अलग है, तो फिर आपको कितनी रिसर्च करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी? मुझे कोई रिसर्च ऐसे करना नहीं पड़ा बिकॉज अगर आप देखो तो एक जैसे एक तांत्रिक होता है इन नॉर्मल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो एक फ्लेवर है उसमें, कॉमेडी भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है. तो एक सारा कुछ मसालेदार जैसे कैरेक्टर बोलते हैं ना वैसा है. सो आई थिंक अभी तो खैर शुरू हुआ है तो जैसे जैसे मैं ऑन सेट करती जाऊंगी तो और भी चेंजेस आएंगे. हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं तो वो अपने कुछ न्यूंसेस देंगे मुझे जो उन्हें चाहिए, उन्हें पसंद है. आई थिंक कैरेक्टर बहुत खिल के आएगा. थैंक यू. जितनी जल्दी उसके बोल रही हूँ आंसर नहीं करनी चाहिए वरना. ओह आई डोंट बीच में आ. ओके सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर अपकमिंग शो बताओ नामिक. इट इज अ रोमांटिक थ्रिलर विद अ ट्रायंगल, लव ट्रायंगल विद अ सुपरनैचुरल ट्विस्ट. सो दिस इज ऑल इट इज. मंडे टू फ्राइडे 10 PM सोनी इंडिया. ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये पता लगना है कि आ कब रहा है. एक्चुअली हमने दोनों दो सवाल ऐसे पूछे हैं कि जिसके हम आंसर नहीं कर सकते हैं कि कैरेक्टर के बारे में. सी द रीज़न इज कि थ्रिलर शो है सो उसके अगर हम अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा बताएंगे तो हम डिस्क्लोज कर देंगे, आपको सीक्रेट बता देंगे शो का सीक्रेट क्या है, सस्पेंस क्या है. तो इसलिए हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं, नाम अपने अपने नाम बता सकते हैं. ये है इनफैक्ट हम तीनों यही डिस्कस कर रहे थे रूम में यार, हमारे पास कोई ऐसा सवाल ना पूछे कि आपका कैरेक्टर क्या है और हम कुछ बता देंगे तो हमें प्रतीक बोलेगा, हमारे प्रोड्यूसर बोलेगा यार तुमने शो बता दिया. सो दैट इज व्हाट वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट. या ओके देन से समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट. वी कैन टॉक अबाउट हाउ वी आर शूटिंग. वी आर शूटिंग वेरी हेक्टिक शेड्यूल एंड बट वी आर इन्जॉइंग इट द वे वी आर शूटिंग. हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है. एंड हाँ एक और चीज़, ये दोनों एक एक शो कर चुके हैं, दिस इज माई फर्स्ट शो बट दे डोंट मतलब बहुत सारे शो कर चुके हैं बट दे डोंट लेट मी फील द वे. सो या आई एम प्रीटी पैम्पर्ड एंड हैप्पी अबाउट इट. ये बहुत अच्छी लड़की है. जब आपने इस सीरियल की स्टोरी बताई तो आपका क्या रिएक्शन था, बिकॉज दिस इज सुपर नेचुरल पावर्स एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? ऑब्वियसली शो का कंटेंट बहुत अच्छा था एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट मैंने सिर्फ इसको अपने कैरेक्टर के हिसाब से नहीं देखा था इस शो को, मैंने पूरी स्टोरी जब सुनी शो की तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि आई वाज क्वाइट एक्साइटेड कि बाकी जो दो कैरेक्टर्स हैं वो कौन प्ले करने वाला है. आई एम वेरी हैप्पी कि डोनल एंड नमिक इज प्लेइंग दैट रोल्स. सो परफेक्ट कास्टिंग है. हमारा डायरेक्टली एक मुक टेस्ट हुआ था जिसमें हमने 3 सीन किए थे तो मुझे तो कोई ऑडिशन नहीं करना पड़ा. आई डोंट थिंक इन दोनों को भी कोई करना पड़ा था. सो ऑल थ्री ऑफ अस शॉट 3 सीन्स एंड स्टोरी सुनी उसी टाइम जैसे उन्होंने बोला मुझे भी स्टोरी. ये कहानी लिखी हम पे गई थी. No, but thankfully we didn't have to audition or fair after the look test they liked it and just been a little lucky. But I didn't know personally ki I'm being casted but yeah. Haan ye baad mein pata chala ki baad mein pata chala audition nahi karna pada tha. Okay, then I'm talking about the thanks for this clashing with Ishq Baat, which is a popular show. So are you guys ready for the competition?
Well, I think what Nakul did yesterday was very gracious, and it shows how secure he is, and it's such a nice gesture on his part. And it shows that you don't have to be at each other's throat. आपको एक दूसरे को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बुरा विश करने की ज़रूरत नहीं है. I hope they keep doing great because it's one of the top shows in the country. I hope हमारा शो भी अच्छा करे, and I wish them all the best, and I hope our show also does well. I think there's space for both the shows. There is no competition actually. Yeah, yeah. And the story is also different. Our story is completely different, completely exciting, and with lot of suspense. So I think our story has so much of power in it. We believe in our product. Yeah. The story speaks a lot. आपने भी इससे पहले बहुत सारे शोज किए, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस शो? विक्रम बताओ, विक्रम ने करे बहुत सारे शोज. एक्सपेक्टेशंस तो यही रहती है हर आर्टिस्ट की कि शो ये बहुत अच्छा हो, और जो हमारी जो हमने मेहनत करी है वो एक्नॉलेज हो एंड लोगों को पसंद आए. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कंटेंट अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि कहाँ पर क्या कमी रहेगी, शो क्यों नहीं चल रहा है. बट इसके साथ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. आई थिंक दिस इज़ वन शो विच इज़ टारगेटिंग मासेस आल्सो एंड क्लासेस आल्सो, क्योंकि हम लोग ने वी मेड श्योर कि इसको इस तरीके से नॉट वी द राइटर्स ऑफ द शो, द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो, उन लोगों ने इसको इस तरीके से ही लिखा है कि हमने हर क्लास को टारगेट किया, तो TRP तो डेफिनेटली आनी है.